दोस्तों यानी हम आ चुके हैं टुनटुन भैया के घर पे और आप लोग देख सकते हैं, हम उनके गेट पे खड़े हैं और गेट का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है, कुछ ऐसा है घर का। और चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं, गेट के अंदर चलते हैं, हम इनके घर के अंदर चलते हैं तो उसके बाद दिखाते हैं कि कौन कौन है घर पे या नहीं है उनके। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक न्यू ब्लॉक में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आ गए हैं यानी आरा आ चुके हैं और आप लोग को दिखा देते हैं आगे यानी फ्रंट कैमरा से। देखिए आरा जंक्शन का कुछ सीन और व्यू रहा, यानी शाम का समय है दोस्तों, देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं यानी सलेमपुर चौराहे के लिए। और यहाँ से हम लोग यानी 10-20 रुपये लगेगा ऑटो से, जाएंगे यहाँ यानी सलेमपुर से फिर उनके गांव के तरफ। यानी हम इस समय आ चुके हैं यानी सलेमपुर मार्केट में और ये आपको देख रहे हैं सलेमपुर मार्केट में हम इस समय खड़े हैं। और यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड यानी यही रास्ता जाएगा टुनटुन जी के घर के तरफ। चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ और आपको दिखाएंगे, बने रहे कंटिन्यू वीडियो में, स्क्रिप्ट मत करिए वीडियो। गाइस कि अगर आप लोग आना चाहते हैं ठीक है तो वीडियो में बने रहे एंड तक। सबसे लास्ट में मैं एड्रेस आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए पहले चलते हैं आगे उनके घर के तरफ और उसके बाद मिलते हैं तब फिर आपको बताएंगे। यानी हम उनके घर के नज़दीक पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं उनके गांव के लोग यानी यहां पे खड़े होके बातचीत कर रहे हैं और यही घर है जो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यानी हम आ चुके हैं टुनटुन भैया के घर पे और आप लोग देख सकते हैं, हम उनके गेट पे खड़े हैं और गेट का नज़ारा देख सकते हैं कैसा है, कुछ ऐसा है घर का। और चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं, गेट के अंदर चलते हैं, हम इनके घर के अंदर चलते हैं तो उसके बाद दिखाते हैं कि कौन कौन है घर पे या नहीं है उनके। देखते हैं गाइस इस समय यानी घर का नज़ारा इनका ऐसा है और इस समय थोड़ा सा रंगवाए हुए हैं, देखिए कितना सुंदर लग रहा है इस समय घर, आप लोग देख सकते हैं। और इधर देख सकते हैं यानी सीसी कैमरा भी लगाए हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए सीसी कैमरा भी लगाए हुए हैं। और इधर एक गाड़ी लगी हुई है यानी 2-चक्का और इधर देखिए 4-चक्का एक लगी हुई है। और इधर इनका करकट का अभी भैंस गुरु यानी बनाता है इधर, और इधर काम भी चल रहा है देख सकते हैं आप लोग इस साइड, यानी काम चल रहा है घर का उनके। और इधर गार्डन है यानी गाड़ी उड़ी रखने के लिए देख सकते हैं, बोलेरो रखा हुआ है और गाय है। और देखिए घर का क्या लुक है, कुछ ऐसा नज़ारा है। पटना गए इस समय, घर पे नहीं है, क्या लगेंगे आपके चाचा लगेंगे, आपके दादाजी हैं घर पे नहीं है, कहाँ गए हैं दादाजी? अच्छा दादाजी भी नहीं है, और कोई भाई उनके छोटा वाला है आ? एक छोटे वाला और चाचा है ना आपके, थोड़ा बुलाइए उनको। कहाँ गए हैं? स्कूल गए हैं। अच्छा तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं यानी टुनटुन भैया के छोटे भाई है जो हमारे साथ है देख सकते हैं। थोड़ा सा भैया कुछ बताएंगे अपने बारे में, अपना नाम बता दीजिए, इंटरव्यू मत दीजिएगा। क्या नाम है? गोविंदा यादव। देख सकते हैं ये छोटे भाई है यानी गोविंदा यादव इनका नाम है। और देख सकते हैं इनके घर का कुछ ऐसा लुक है। और इधर देख लीजिए एक 4-व्हीलर भी है और इधर सफेद की गाड़ी है और इनका एक गाय है। और घर का नज़ारा देख सकते हैं कुछ ऐसा है। अच्छा एक चीज बता दीजिए, मतलब भैया कहाँ पढ़ते थे पहले, कितना तक पढ़े हैं? हमसे ही पता नहीं कितना तक पढ़े, पता नहीं है। आप देख सकते हैं कहाँ पढ़े हुए हैं कि घर है आरा प्रकार का, रोज आते जाते थे, कितने तक पढ़े हैं पता नहीं, कितने तक भी पढ़े हैं पता नहीं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि पता नहीं होगा आपको कितने तक पढ़े हैं, फिलहाल आपको नहीं पता है। तो भाई हैं आप लोग टोटल बताइए, 7 भाई हैं, वो सबसे छोटे हैं कि बड़े हैं? तीसरे नंबर पे हैं। सबसे बड़े भाई उनकी क्या करते हैं? बालू का ठेकेदारी करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यानी बड़े भाई जो है उनके यानी बालू के ठेकेदारी का काम करते हैं। और तीसरे नंबर पे जो है वो यानी टुनटुन भैया गायक भोजपुरी के स्टार देख सकते हैं वो है। और ये छोटे भाई उनके हैं और घर का नजारा कुछ देख सकते हैं ऐसा है। और देख सकते हैं दोस्तों इस समय यानी घर कुछ ऐसा लुक नजारा बना हुआ है, देख सकते हैं कितना मस्त लग रहा है। और इस समय घर का कुछ ऐसा है देख सकते हैं आप लोग, क्या लुक है घर का इनका। और चलिए थोड़ा सा देखते हैं इनके घर में यानी कौन कौन है या नहीं है, देख सकते हैं। और इधर यानी 2-चक्का गाड़ी खड़ा है इस समय
और इधर देख सकते हैं आप लोग, चलिए अंदर दिखाते हैं आपको क्या है। और इधर आप लोग देख सकते हैं यानी घर बनवाए हुए हैं और टाइल्स वाइल्स वगैरह सब लगा हुआ है फिट इस समय। और तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का घर है इनका। और देखिए सीसी कैमरा लगाए हुए हैं हर जगह, देख सकते हैं आप लोग, ये भी फैन और सीसी कैमरा सब लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। एक कुर्सी रखा हुआ है इस समय यहाँ पे। और इधर देख सकते हैं गाइस यानी नल वल का व्यवस्था है, देख सकते हैं आप लोग इधर नल का व्यवस्था है और यहाँ सीसी कैमरा भी लगाए हुए हैं। और गेट का कुछ नज़ारा देख सकते हैं ऐसा है, देख सकते हैं दोस्तों यानी घर का उनका काम चल रहा है। देखिए लेबर और मिस्त्री काम कर रहे हैं और इधर यानी करकट का उनका घर है। तो घर क्या है मतलब इधर गोरू और भैंस बांधने के लिए रखा हुआ है, देख सकते हैं। और कुछ नज़ारा ऐसा है घर का, देख सकते हैं आप लोग। और इस समय थोड़ा सा घर और यानी रंगवाए हुए हैं, देख सकते हैं। और मस्त लग रहा है, सुशील लग रहा है इस समय। और देख सकते हैं इधर यानी ब्लैक ब्लोरो जो इस समय बहुत ही अच्छी मानी जा रही हैं। तो फाइनली दोस्तों आपको एक चीज़ आपको बता दें कि यानी आप अगर टुनटुन जी के घर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आरा स्टेशन पर आइए। स्टेशन पर आने के बाद यानी आप वहां से आएंगे पुलिस लाइन यानी पुरानी पुलिस लाइन तक आएंगे, वहां से 10 रुपये ऑटो ले लेंगे, पहुंचा देंगे। उसके बाद वहां से फिर आपको बस पकड़ना पड़ेगा सलेमपुर के लिए। और सलेमपुर जब आएंगे तो उनके वहीं पर उनका घर है, ठीक है। दिए आई होप कि मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।